हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। और हम कवर कर रहे हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी डेवलपमेंट थीसिस एंड ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं सारी देख डालिए, एज वेल एज अपने फ्रेंड्स अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे। एंड कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। कोई सजेशन है, कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, दैट इज एंटी डेवलपमेंट थीसिस एंड ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो ये दो अलग अलग टॉपिक है। सबसे पहले हम कवर करेंगे एंटी डेवलपमेंट थीसिस को, देन कवर करेंगे हम ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट को। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद एंटी डेवलपमेंट थीसिस। एंटी डेवलपमेंट थीसिस नाम से ये लग रहा है कि एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसा मॉडल है जो डेवलपमेंट के अगेंस्ट है, बट नहीं। ठीक है, एंटी डेवलपमेंट डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, ये डेवलपमेंट के लिए जो वेस्टर्न मॉडल को फॉलो किया जा रहा था ये उसके अगेंस्ट है। फाइन, तो देखिए, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, मार्शल प्लान लाया जाता है। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो मार्शल प्लान में अमेरिका बहुत हेल्प करता है यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो वहां से आइडिया उभर करके आता है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको भी फॉरेन एड मतलब फॉरेन हेल्प से, फाइनेंशियल हेल्प से उनको भी डेवलप किया जा सकता है। फाइन, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, दे स्टार्टेड द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्री एंड दे जस्ट अज्यूम एंड क्लेम दैट देयर वाज अंडर डेवलपमेंट इन दीज कंट्री। तो जस्ट एक अप्रोच लेकर के चले सारी कंट्री के लिए और ये भूल गए कि हर एक कंट्री अलग तरीके की है, वहां की सोसाइटी अलग है, वहां की पॉलिटिक्स अलग है। तो उन्होंने क्या किया, वन साइज फिट फॉर ऑल, वो वाली अप्रोच फॉलो करते हुए वेस्टर्न कंट्रीज ने डेवलपमेंट करने की कोशिश की अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। देन दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज मोर कैपिटल इंटेंसिव एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्ड। क्या कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा उनको फाइनेंशियल हेल्प की जाए, ठीक है, कैपिटल उनको प्रोवाइड की जाए और टेक्नोलॉजी दी जाए, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो डेवलपिंग कंट्री के अंदर, ताकि जो डेवलपिंग कंट्री हो और भी बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। लेकिन इस अप्रोच को, इस मॉडल को काउंटर किया एंटी डेवलपमेंट वालों ने, एंटी डेवलपमेंट जो स्कॉलर्स थे उन्होंने। उनका क्या मानना था, सबसे पहले तो आपको ये माइंड में रखना है कि जो एंटी डेवलपमेंट थीसिस है, इट इज नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट बट ओनली अगेंस्ट द वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। जो ये वेस्टर्न मॉडल था ना मॉडर्नाइजेशन का, वेस्टर्नाइजेशन का, उस मॉडल के खिलाफ है ये। फाइन, और बेसिकली जो एंटी डेवलपमेंट थीसिस है, ये जो आज के दिन हम गुड गवर्नेंस पॉलिसी को फॉलो करें, ये इसी का प्रिकर्सर है। Then anti-development supporter argue that it is not the matter of identifying most efficient way of delivering development, but they question the very concept of development. Western countries का जो model था वो basically क्या था, economy के ऊपर ज़्यादा based था। ठीक है, कि आप economy को develop करो, बाकी सब कुछ जो society आपकी automatically develop हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जो anti-development supporter थे उन्होंने कहा कि जो most efficient way है किसी भी काम को करने का या service delivery का, वो यहाँ पर matter नहीं करता, matter करता है development, basically आपका development से मतलब क्या है। अगर आपकी economy बहुत अच्छे से grow कर रही है तो क्या आप develop हो, क्या आपकी country develop है, नहीं। डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, डेवलपमेंट का जो वेस्टर्न कंट्रीज ने जो कंसेप्ट लेकर के चला, एंटी डेवलपमेंट वालों ने उस कंसेप्ट को काउंटर किया। फाइन, देन उनका मानना था दैट द रियल एम ऑफ वेस्टर्न डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू द मॉडर्नाइजेशन। वेस्टर्न डेवलपमेंट का एक ही मतलब है, मॉडर्नाइज। मॉडर्नाइजेशन कैसे है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया एंड इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो दैट्स इट, आप वेस्टर्न मतलब आप डेवलप माने जाओगे। सो विच इज बेसिकली अ वे ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग कंट्री एंड वेस्टर्न कंट्री। डिपेंड हो रही थी, वो जो अप्रोच थी, वो जो मॉडल था, उसकी वजह से क्या हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट होती चली गई। एंड डेवलपमेंट प्रोसेस बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्री की जो मॉडल था वो किसी भी कंट्री की जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम में जो डाइवर्सिटी होती है उसको नजरअंदाज करके चल रहा था वो मॉडल। फाइन, सो डेवलपमेंट प्रोसेस अंडरमाइन एंड डिस्ट्रॉय द डाइवर्सिटी ऑफ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। अब जो मॉडल आप डेवलपमेंट का वियतनाम के अंदर, कोरिया के अंदर, चाइना के अंदर अप्लाई कर सकते हो, सेम मॉडल आप इंडिया के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ की सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम ये डिफरेंट है वहां से। फाइन, सो दिस डाइवर्सिटी इज रिप्लेस्ड बाय एक्सटर्नली इम्पोज्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। वहां पर क्या था कि वो तो
सबके लिए एक समान थी, जो वेस्टर्न कंट्री जिस तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रही थी डेवलपिंग कंट्रीज को, वो सबके लिए एक समान अप्रोच थी, फाइन। और एक्सटर्नली इम्पोज्ड कोई भी चीज, अगर आप कुछ चेंज चाहते हो और एक्सटर्नली वो चेंज आ रहा है, तो ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करेगा, फाइन। चेंज तभी सस्टेन करेगा लंबे टाइम तक जब वो इंटरनल होता है, फाइन। सो दे आउट राइटली रिजेक्ट द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एंटी डेवलपमेंट थ्योरिस्ट जो थे, उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया वेस्टर्न मॉडल को, एंड उन्होंने कहा दैट देर इज नो फिक्स्ड अप्रोच टू डेवलप ए कंट्री। हर कंट्री के लिए अलग अलग अप्रोच है, कोई फिक्स्ड अप्रोच नहीं है, फाइन। इट एडवोकेट फॉर अ स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो आपकी सिविल सोसाइटीज हैं, एनजीओ वगैरह हैं, या जितने भी ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ऐसा एंटी डेवलपमेंट थीसिस का कहना है, फाइन। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। फर्दर कहते हैं, इट इज प्रपोज्ड बाय द स्कॉलर्स, जो एंटी डेवलपमेंट वाले जो स्कॉलर थे, उनका कहना है दैट व्हेन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर प्लान्ड, जब डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लान्स बनाए जाते हैं और फ्रेम किए जाते हैं, तो लोकल सिचुएशन को ध्यान में रख करके किए जाने चाहिए। व्हेन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर प्लान्ड एंड फ्रेम्ड, देन द लोकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री शुड बी गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस। वहां की पॉलिटी कैसी है, वहां की इकोनॉमी कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, लैंग्वेज वगैरह, कल्चर, सोसाइटी, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, लोकल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्लान करना चाहिए, फ्रेम करना चाहिए। तो एक तरीके से टॉप डाउन अप्रोच नहीं, बॉटम अप अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, ऐसी एंटी डेवलपमेंट थीसिस का कहना है। तो एक तरीके से जो हम आज के दिन जो गुड गवर्नेंस का हम फॉलो कर रहे हैं, वो यही चीजें तो कह रहे हैं, फाइन। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, बट स्टिल फील फ्री टू रीच टू अस, थैंक यू। फर्दर जो टॉपिक है हमारा, वो है ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। एंटी डेवलपमेंट थीसिस हो गया, अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, ये जो टॉपिक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, फाइन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जब हमने चेंजिंग प्रोफाइल देखी थी, इवोल्यूशन देखा था, तो हमने ये बात की थी कि जो 1950 से लेकर के 1970 का जो एरा था, उसको हमने स्टेट लेड डेवलपमेंट कहा था, कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपमेंट की, वो स्टेट को सौंप दी गई थी। तो सेम चीज क्या है, हम यहाँ पर भी उसी चीज को मतलब रिपीट कर रहे हैं, दैट डेवलपमेंट हैड बीन कंसीव्ड एज प्लान, स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड स्टेट डायरेक्टेड। डेवलपमेंट स्टार्टिंग में प्लान्ड होती थी, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड होती थी और स्टेट ही उसको डायरेक्ट करता था। तो उस दौरान ब्यूरोक्रेसी का रोल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंट्री अब नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी, तो वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप तो इतनी स्ट्रांग थी नहीं, ना ही वहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, वो ही इतने ज्यादा डेवलप थे। तो ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता चला गया, फाइन। एंड डेवलपमेंट बोथ एज अ प्रोसेस एंड एंड रिजल्ट हैड बीन कंसिडर्ड टू बी द डिपेंडेंट ऑन कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। डेवलपमेंट कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंडेंट थी उस टाइम पे। The role of bureaucracy was acknowledged as crucial, but the advocacy was to modify Weberian bureaucracy and substitute it by development bureaucracy. देखिए, यहाँ पर जो है वो bureaucracy के nature को change करने की कोशिश की गई है। पहले क्या था, मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट दिया था, उसको फॉलो करके काम चल रहा था। बाद में ये कहा गया कि ये जो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी है, ये डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है, इसको चेंज किया जाना चाहिए डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी के साथ, फाइन। सो द एंटायर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट रिवॉल्व अराउंड द क्रूशियल रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन ब्रिंगिंग अबाउट स्पीडी इकोनॉमिक चेंज। जितनी भी डेवलपमेंट स्टेप्स लिए गए, जितने भी फाइव ईयर प्लान बने, या जितने भी जो भी मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिजाइन हुए या उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वो सारा का सारा जो काम है, वो सारा ब्यूरोक्रेसी के रोल के अराउंड ही घूमता रहा, ब्यूरोक्रेसी के अराउंड ही, फाइन। देन अब हुआ ये कि ब्यूरोक्रेसी के पास आपने पावर दे दी, तो ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी, अपनी अपने फायदे के लिए उसको यूज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको वो है ना, एक चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में कर सके। तो एक तरीके से ब्यूरोक्रेटिक एक डोमिनेंस क्रिएट हो जाता है ब्यूरोक्रेसी का। अब यही कंसर्न उभर करके आया, ठीक है। तो कहा गया कि जो वायबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एलिट आर नेसेसरी टू रिस्ट्रेन द टेंडेंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू गेन ऑटोनोमस पावर। ब्यूरोक्रेसी
पावर गेन न कर सके, ऑटोनोमस पावर गेन न कर सके, इसके लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एलीट, पॉलिटिकल क्लास का होना बहुत जरूरी है. काफी सारे स्कॉलर्स इसके बारे में बात करते हैं. स्कॉलर कहते हैं दैट नॉट ओनली टू मोनोपोलाइज सम सेंट्रल पॉलिटिकल फंक्शन बट ऑल्सो टू बिकम ए मेजर इंटरेस्ट ग्रुप. ब्यूरोक्रेसी टेंड not only to monopolize some central political function, critical political function, but also to become a major interest group. Bureaucracy कर क्या रही है? अपने आप के एक एक interest group की तरह काम करेगी. किस तरीके से कि अब उसके पास power है, वो अपने benefit के लिए काम करेगी. और अगर कोई ऐसा plan है या ऐसा कोई project है जो उसके against जा रहा है, उसके जो plans हैं, उसके जो interest है, उसके against है, तो obviously वो obstacle create करेगी, problems create करेगी bureaucracy. Then further scholar कहते हैं Lucian Pai that he feared that the overdeveloped bureaucracy might lead to a greater imbalance between the administrative and the political. अगर आप ने ज़्यादा bureaucracy को develop कर दिया, overdevelop किया, तो administration और political जो है leadership उनके बीच में imbalance create हो जाएगा. Fredericks बहुत ही prominent name है, चाहे आप comparative public administration की बात करो, चाहे आप development administration की बात करो. So Fred W. Ricks भी ये मानते हैं कि बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव माल फंक्शनिंग हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन माल फंक्शन इसीलिए कर रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर्स हैं ही नहीं वहां पर, या तो है नहीं और या फिर वहां पर वो वीक है. ठीक है. सो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ट्रेस्ड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव माल फंक्शनिंग इन द डेवलपिंग कंट्री टू द एब्सेंस और वीकनेस ऑफ एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन दोज कंट्रीज. इवन उन्होंने सजेस्ट किया कि जो इम्बैलेंस है डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी का, फाइन, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा पावर दे रहे हो, तो ब्यूरोक्रेसी अपने आप को पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है ब्यूरोक्रेसी में. ठीक है, ऑटोक्रेटिक होती जा रही है ब्यूरोक्रेसी. तो उन्होंने कहा कि इस बैलेंस को ठीक करने के लिए एक मतलब पावर मॉडल सजेस्ट किया गया बहुत सारे स्कॉलर्स ने फर्दर, मतलब जैसे आगे एक पावर मॉडल सजेस्ट किया गया. पावर मॉडल किसका? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप करो सबसे इंपॉर्टेंट. दूसरा, एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया जाए. सो दैट मॉडल हैज बीन सजेस्टेड. और ये जो मॉडल था पावर मॉडल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये मॉडल फोकस करता था इन ऑन द रोल ऑफ पॉलिटिकल एलीट, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस पब्लिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इफेक्टिव पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन अथॉरिटेटिव डिसीजन मेकिंग. देखिए, बात यही है कि एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक, एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक मतलब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग हो. सेकंड थिंग, एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हो. और थर्ड थिंग क्या है? आपके पास इफेक्टिव पॉपुलर पार्टिसिपेशन हो. अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इफेक्ट ये एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इज एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक, फाइन, क्योंकि वहां पर पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप होती है. और पार्लियामेंट जितनी ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे इंडिया की फॉर एग्जांपल, अगर पार्लियामेंट स्ट्रांग है तो वो ब्यूरोक्रेसी को, वो एग्जीक्यूटिव पे चेक एंड बैलेंस रख सकती है, बैलेंस मतलब कंट्रोल कर सकती है, उनको अकाउंटेबल रख सकती है. तो ब्यूरोक्रेसी के पास पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी अथॉरिटेटिव नहीं होगी, फाइन. सो ये जरूरी है कि अगर किसी भी कंट्री, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, आप ये समझिए, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल. और वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर हम अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके भेजते हैं. और अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव इतने ही ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सके उनके काम को, तो फिर फायदा क्या? फिर डेमोक्रेसी की जो बेसिक स्पिरिट है वही डिफीट हो रही है, फाइन. सो ये सजेस्ट किया गया. बट एक सरप्राइज तब मिला जब एक स्टडी होती है, ली सिगलमैन के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की जाती है. एंड उस स्टडी के अंदर ये फाइंड आउट किया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, हाईली डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसी जो है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, अगर आप डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसी से आपका मतलब क्या है, जो जितनी ज्यादा एफिशियंट है वो डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसी है, फाइन. तो ये स्टडी में फाइंड आउट किया गया दैट हाईली डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसी डू नॉट डोमिनेट लेस डेवलप्ड पॉलिटिक्स. अगर अगर ब्यूरोक्रेसी बहुत एफिशिएंट है तो वो आपकी लेस डेवलप्ड पॉलिटिक्स पॉलिटीज को डोमिनेट नहीं करेगी. एंड इसी स्टडी के अंदर ये फाइंड आउट किया गया दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन लो और वीक परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस. अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, लो परफॉर्म कर रहा है या वीक परफॉर्म कर रहा है, तो चांसेस हैं कि वो डोमिनेट करेगा.
आपकी पॉलिटीज को डोमिनेट करेगा. फाइन. और अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा एफिशिएंट है तो उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं डोमिनेंस के. तो मतलब ब्यूरोक्रेसी पे डोमिनेंस का कोई रिलेशन नहीं है, किसके साथ है, एफिशिएंसी है, कितना ज्यादा एफिशिएंट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है. सो इट इज इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी दैट पोजेस अ थ्रेट टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट. आपकी इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी खतरा बनती है, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी खतरा नहीं है. सो दिस स्टडी सजेस्ट दैट एन एफिशिएंसी ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी डज नॉट कम्पीट विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. कम्पीट नहीं करती. अगर आपकी आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ कम्पीट करती है, नहीं. बट डेवलपिंग कंट्री के अंदर ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है. सो ये स्टडी ये पॉइंट आउट करती है दैट एफिशिएंसी ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी डज नॉट कम्पीट विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. फाइन. सो आई होप आपको स्टेट ब्यूरोक्रेसी और डेवलपमेंट का रिलेशन समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जैसे जैसे डेवलपमेंट का कंसेप्ट बढ़ रहा है ब्यूरोक्रेसी में क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, डेवलपमेंट के लिए ब्यूरोक्रेसी को चेंज करने की कोशिश की गई. ब्यूरोक्रेसी ये माना गया कि पावर दे दी गई ब्यूरोक्रेसी को, हो सकता है वो अथॉरिटेटिव हो जाए, ठीक है, सेंट्रलाइज कर ले पावर को, अपने बेनिफिट के लिए फायदा उठाए पावर का. बट ये स्टडी फाइंड आउट करती है कि नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आपकी आपकी ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट है तो वो आपकी पॉलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी इतना ज्यादा, और अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट है तो वो पॉलिटी को डोमिनेट कर लेगी. फाइन. सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटरडिपेंडेंट. आपकी ब्यूरोक्रेसी और डेवलपमेंट, इवन नॉट ओनली ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, आपकी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटी ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और इंटरडिपेंडेंट है. अब पॉलिटिशियंस ने कानून बना तो दिए, ठीक है, वहां पर वो बैठे थे लॉ मेकर, उन्होंने कानून तो बना दिए, बट एक्चुअल में इंप्लीमेंट कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी. एंड पॉलिटिशियन तो हर 5-4 साल में चेंज हो जाते हैं, उसके बाद एक कॉन्टिन्यूटी भी तो बना करके रखते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव. तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है, सब कुछ गलत ही चल रहा है, ठीक है. ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड इंटरडिपेंडेंट. एंड अगर आप चाहते हो इन ऑर्डर टू सेंसिटाइज द ब्यूरोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस, इट इज सजेस्टेड ब्यूरोक्रेसी डेवलपमेंट के लिए सेंसिटाइज हो तो ये सजेस्ट किया गया टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग इन एटीट्यूडनल चेंजेस. उनको ट्रेनिंग दो, उनके एटीट्यूड में चेंज लाओ, उनके अंदर बेसिक चेंज करो, ठीक है. उनको ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने से कुछ नहीं होगा, उनको सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर दिया जाए. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द एंटी डेवलपमेंट थीसिस एंड ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. बट स्टिल अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन है आपके पास यूटिलाइज करने के लिए. बट प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू आर क्रिटिसाइजिंग समथिंग, वेदर रिगार्डिंग इट माय वॉइस प्रेजेंटेशन, जो भी आपको डाउट है, कुछ पूछना है, कोई क्रिटिसिज्म करना है, तो अभी प्लीज थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही हो, ठीक है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं ये आप तक पहुंचाने के लिए. बहुत कम रिसोर्सेज है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड टाइम के साथ हम आप तक ये पहुंचाते हैं. सो प्लीज बी केयरफुल विद योर वर्ड्स. क्रिटिसिज्म ठीक है बट पॉजिटिव होना चाहिए. एंड कोई सजेशन है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टॉपिक है, कल शाम को अपलोड होगा, दैट इज स्टेट वर्सेज मार्केट डिबेट. ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए वीडियो.